हेलो, ये क्या बात होती है? तुम हर दूसरे दिन छुट्टी लेके बैठ जाती हो। अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई, ऑफिस जाऊं कि घर पे झाड़ू पोछा करूं? ऐसे नहीं होता। अब तुम कल से आने की जरूरत नहीं है तुमको। अबे यार, गुस्से में इसको तो मना कर दिया, घर का काम कैसे होगा? आइडिया, अमेजोन को खोलते हैं, देखते हैं। हाँ चलो, अब ना मेड की जरूरत है ना किसी चीज की, मेरा घर एकदम चकाचक साफ रहेगा। तो क्या आप भी देख रहे हैं अपने घर के लिए ऐसा ही क्लीनिंग रोबोट जो कि आपके एक इशारे पर बिना छुट्टी लिए सुबह शाम आपके घर पे झाड़ू भी लगाएगा और पोछा भी लगाएगा? तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको ये प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, यही है वो प्रोडक्ट जो कि है इको वैक्स वैक्यूम एंड मॉपिंग रोबोट, जिसका नाम है डी बोट N10। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग हो चुकी है और अगर आपने देखा होगा, पहले मेरे पास दो बॉक्स रखे हुए थे। आज मैं आपको केवल डीबोट की वीडियो बनाकर ही दिखाऊंगी और जो इसका ऑटो एम्प्टी स्टेशन है उसकी वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये डीबोट ही अपने आप में एक कम्प्लीट यूनिट है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये है डीबोट मेन यूनिट है। इसके साथ आपको मिलता है ये चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पर ये दो साइड ब्रश दिए गए हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। और ये है मॉपिंग पैड जो कि रिमूवेबल है और वॉशेबल है। जब अगर ये गंदा हो जाता है तो आप इसको निकाल कर वॉश करके इसको अगेन लगा सकते हैं। इसके साथ आपको मैनुअल बुक मिल जाती है, इसको कैसे यूज़ करना है वो सब इसमें बताया गया है। वैसे यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 1, 2, 3 नंबर देखिए कि फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले डी बोर्ड के ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो ये जो अगर बटन आप देखेंगे, ये है ऑटो मोड बटन, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है ट्रू मैपिंग डिस्टेंस सेंसर, जो कि ये इस मशीन को बताता है कि इसको किस किस एरिया में जाकर क्लीन करना है बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए हुए। इसके बाद अगर हम इसको घुमाएं और इस प्लेट को ऊपर की तरफ उठाएं तो ये अंदर की तरफ आपको यहाँ पर ये मिल जाता है वाईफाई इंडिकेटर बटन। उसके बाद है ये पावर ऑफ बटन, और यहाँ पर यह है ये रीसेट बटन। और इधर की तरफ आप देखेंगे ये है मल्टी फंक्शनल क्लीनिंग ब्रश। एक तरफ यहाँ पर ब्रशेस हैं और ये अगर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शार्प थिंग दी गई है, तो इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। देन इधर की तरफ आते हैं, ये है इसका डस्टबिन। तो इसको हम, ये हैंडल है इसका डस्टबिन का, इस तरह से बाहर आ जाता है। और ये है रिलीज बटन, इसको यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और इधर आप देखेंगे ये यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल नेट दिया गया है, तो जो भी डस्ट क्लीन होती इसके अंदर आती है यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, और ये जब भर जाए तो आप इसको खाली करके इसको वापस यहीं पर लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सेट हो जाता है, हैंडल ऊपर करके इसको रखना होता है, देन इसको आप लॉक कर दीजिए। तो अंदर की तरफ तो आपने देख लिया, अगर आप अब इधर की तरफ देखेंगे तो ये है वाटर टैंक। तो अगर आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पर इसको ओपन करके पानी इसके अंदर डाला जाता है। तो चलिए इसको वापस हम यहीं पर फिट कर देते हैं, और इसको अब पीछे की तरफ, नीचे की तरफ देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो व्हील है ये है यूनिवर्सल व्हील, और ये जो दो सिल्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये है कारपेट इंडिकेशन सेंसर। तो और इसके बाद अगर आपको ये ग्रीन और रेड दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ब्रश मैंने आपको पहले दिखाए थे लगते हैं, तो जो ग्रीन है तो आप ग्रीन वाले में ही लगाएंगे। इनको लगाना बहुत ही आसान है, बस आप इसको इस तरह से लगा के प्रेस कर दीजिए, और रेड में हम रेड की तरफ लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो है ये फिक्स हो गए हैं। इन साइड ब्रशेस का फ़ायदा ये है कि जो कोने में और साइड्स में धूल होती हैं वो इनको बीच में ले आता है, और फिर बीच में जो मेन ये है वैक्यूम, इसको सक कर लेता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है एंटी ड्रॉपिंग सेंसर, जो कि इसको नीचे गिरने नहीं देते। सपोज आप अगर टेबल है या फिर स्टेयर्स है, अगर आप कोई एरिया क्लीन कर रहे हैं और स्टेप्स आ जाते हैं तो ये अपने आप इसको सेंसर करेगा और वहीं से टर्न होकर दूसरी तरफ मुड़ जाएगा।
और ये जो दो व्हील आप देख रहे हैं ये ड्राइविंग व्हील है, बीच में ये मेन ब्रश आपको मिल जाता है, इसको आप इस तरह से अगर प्रेस करेंगे तो ये बाहर भी आ जाता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद इसको वापस आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से आप वापस फिक्स कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके नीचे जो भी इसके फंक्शन दिए गए हैं। तो चलिए अब इसको अब हम चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन प्रोटेक्टिव फिल्म्स दी गई हैं, इनको हमें निकालना होगा। तो इस तरह से इनको खींच लेते हैं, ये देखिए इस साइड से भी और ये इस साइड से, आगे की तरफ भी इसमें वो दी गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं फिल्म सी। तो जैसे ही मैंने ये स्ट्रिप चाही यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेस हो रहा है, तो उसका ये एक तरह से बम्पर है जो इस मशीन को प्रोटेक्ट करता है, अगर ये किसी से टकराता है तो ये इस तरह से हो जाएगा और पूरी मशीन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए हमें पहले चार्ज करना होगा। चार्जिंग के लिए डॉकिंग स्टेशन दिया गया है। डॉकिंग स्टेशन के साथ आपको वायर मिल जाती है 1.5 से 2 मीटर की, और इसका जो प्लग है ये 5 एम्पियर का प्लग यहाँ पर दिया गया है। तो प्लग मैंने लगा दिया है, अब हम इसको चार्ज करेंगे। तो इसके पीछे की तरफ जो चार्जिंग कॉन्टेक्ट थे उनको यहाँ पर हमें इस तरह से रख देना है। जैसे इसको हमने रखा यहाँ पर ये लाइट इंडिकेट हो रही है। अब देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन हमें देता है आगे की तरफ। वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये म्यूजिक की आवाज आई, ये इंडिकेट करता है कि चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अब वेट करते हैं आगे क्या इंस्ट्रक्शन हमें देती है ये हमारी इंटेलिजेंट रोबोट। तो देखिए स्विच ऑन द पावर, तो पावर स्विच जैसे कि मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ था, ये वाला हमें इधर ऑन करना है। तो ये ऑन हो चुका है। अब ये जो रोबोट है चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो चार्जिंग में इस तरह से आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक हो रही है, और जब ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब इसकी चार्जिंग फुल हो जाएगी। तो देखते हैं इसकी कितनी देर में चार्ज होता है फर्स्ट टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर रखकर सेट किया है। तो जहाँ पर आपको अपने घर पर परमानेंटली डॉकिंग स्टेशन रखना है उसको आप सेट कर दीजिए, वहीं पर रखकर इसको आप फर्स्ट टाइम चार्ज कीजिए। तो जो डिवॉट है वो प्रॉपरली चार्ज हो चुका है। तो डॉकिंग स्टेशन आप जब भी वहां पर सेट करें तो दोनों तरफ साइड में जगह छोड़ दीजिए ताकि जो रोबोट है अपने आप चला जाए और अपने आप से जाकर चार्ज हो जाए। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो वो प्रॉपरली जा नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं डिवॉट अपने आप जाकर डॉकिंग स्टेशन में सेट हो गया है और चार्जिंग में लग गया है। इसको आप फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर इसे ओपन करना होगा और यहाँ पर ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं ये फोन से स्कैन कर लीजिए इसकी ऐप को डाउनलोड करने के लिए। देन आपको फिर नीचे की तरफ एक और स्कैनर मिलेगा, जब आप इसे स्कैन करेंगे तो वाईफाई कोड ये आपसे मांगेगा और वाईफाई कोड आपको देना है, तो आपका जो ये डिवाइस है आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फोन इससे कनेक्ट होगा तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन में ऑनलाइन दिखा रहा है और 100% चार्जिंग दिखा रहा है। यहाँ पर ऑटो क्लीनिंग का ये बटन दिया गया है, देन रिचार्ज का ये यहाँ पर साइन है। तो अगर आपको इसे फोन से चलाना है तो ये ऑटो क्लीन यहाँ से आप बटन प्रेस कर दीजिए, ये अपने आप ये देखिए आपने इसने इंस्ट्रक्शन दिया और अपने आप ये क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपको इसे रिचार्जिंग में लगाना है तो आप इसे ये वाला बटन रिचार्जिंग वाला प्रेस कीजिए, तो ये वापस जाके डॉक स्टेशन में अपने आप चार्जिंग के लिए सेट हो जाएगा जाके। तो आप देख सकते हैं फोन के द्वारा इसे आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी आप ये स्कैनिंग कर रहा है डॉक स्टेशन कहाँ है, अपने आप स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली अपने आप डॉकिंग स्टेशन पे जाकर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही ये स्मूथली काम करता है और फोन के द्वारा आप कहीं पर से भी इसको चला सकते हैं। तो आपने देखा अब ये जो चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है और जो का स्पीकर है बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आता है कि ये क्या बोल रहा है। तो अब हम एंटर स्मार्ट क्लीनिंग वाला बटन प्रेस करते हैं और इसका जो ऑटो मोड है उसको चलाते हैं। तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाकर स्कैनिंग करता है। तो इसके द्वारा ये आपके घर की पूरी स्कैनिंग कर लेगा। तो चलिए अब देखते हैं।
तो डिवोर जी निकल चुके हैं अपने काम पर। फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो आपके घर के उस एरिया को जहां जहां क्लीन करना है स्कैन कर लेगा और उसे सेव कर लेगा और फिर डेली उसी एरिया में अपने आप जाकर उसे क्लीन करेगा। आपको डेली इसे गाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं घर के कोने में साइड ब्रशेस के द्वारा जो उसमें लगाए गए हैं उनमें जहां से डस्ट दिख रही है उसको सक कर रहा है और उस एरिया को बहुत ही बढ़िया से क्लीन कर रहा है। ना केवल कॉर्नर बल्कि साइड में, बीच में, सोफे में, जहां भी इसे जगह मिलेगी ये अपने आप जाएगा और उस एरिया को बहुत ही स्मूथली और परफेक्ट तरीके से क्लीन करेगा। काफी इंटेलिजेंटली ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं टेबल के अंदर भी जहां जहां इसको स्पेस मिल रहा है जाकर ये प्रॉपरली क्लीन कर रहा है। और इसका पैटर्न जैसे हमने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो ये पहले कॉर्नर के जो चारों तरफ से कॉर्नर स्क्वायर की इसमें क्लीन करता है, देन फिर बीच का एरिया जिगजैग की पैटर्न में जाकर इसको क्लीन करता है। तो आप इसका जो ड्रॉपिंग सेंसर है वो चेक कर सकते हैं। आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर गैप आएगा भी, फर्स्ट जो है फ्लोर खत्म हो रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए ये आप वापस अपने आप बैक हो गया है, नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। तो ड्रॉपिंग सेंस जो है इसका प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए कोने में जहां भी इसको जगह मिलती है अपने आप जगह बनाता है और जाकर क्लीन करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैप आ चुका है और ये ग्रीन जो है ये डॉकिंग स्टेशन का साइन दिखा रहा है और जहां पर ये है अभी करंटली वहां इसकी लोकेशन है। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में जहां जहां गया वहां वहां पर इसने बाउंड्री बना दी है। और यहाँ पर स्टेटस भी आप देख सकते हैं, एरिया जो क्लीन किया है 20 मीटर स्क्वायर का एरिया क्लीन किया है और 26 मिनट इसको चलते हुए हो चुका है। तो पूरी डिटेल आपके फोन पर आप आराम से इस पर देख सकते हैं। अगर आपको इसको रोकना है तो यहाँ से ये बटन प्रेस कर दीजिए, पॉज हो जाएगा, साउंड सुन सकते हैं। और अगर आपको इसे वापस चार्जिंग पे लाना है तो ये बटन प्रेस कर दीजिए, तो रिटर्न टू चार्ज डॉक यहाँ पर इसको कर देंगे तो ये जो है वापस आने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं वापस डॉक स्टेशन की तरफ चार्जिंग के लिए जा रहा है। आपको बस इसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, ये अपने आप सब काम ऑटोमेटिकली करता है। तो डॉग स्टेशन पे जाने के बाद इस तरह का आपका इसका मैसेज आएगा। मोपिंग के लिए यहाँ पर ये वाटर टैंक दिया गया है, इसमें हमें पानी को फिल करना होगा। तो बहुत ही कम इसमें पानी जो है लगता है। पानी भरने के बाद हम पीछे की तरफ इसमें लगाएंगे ये मोपिंग पैड जो है। देखिए इस तरह का होता है, ये डिस्पोजेबल होता है, आराम से निकल भी जाता है। अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसे वॉश कर लीजिए और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाए तो नया आप मार्केट से खरीद सकते हैं और इसको लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम फिक्स कर देते हैं। तो ये जो दोनों आप ये देख रहे हैं इधर और इधर, यहाँ पर इसमें डालने हैं और इसको प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हम सेट कर देंगे। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, इसे नीचे की तरफ कर देंगे और इस तरह से इसको हम तो इंस्ट्रक्शन इसने ऑलरेडी दे दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी मॉपिंग। तो फोन के द्वारा ही मैं इसको यहाँ से ऑटो क्लीन कर देती हूँ। ये डिबोर्ड वैसे तो झाड़ू पोछा दोनों के साथ लगा देता है, बट मैंने आपको अलग अलग बताया ताकि आपको आइडिया लग सके। तो अगर आपको खाली झाड़ू लगानी है तो उसका जो पैड है उसको हटा दीजिए, लेकिन अगर पोछा भी साथ साथ लगाना है तो पैड को लगा दीजिए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये आपके घर के अंदर पोछा लगा रहा है। अब आप जो आपका पर्सनल काम है उसे कीजिए, ये अपने आप आपके घर को एकदम क्लीन करके देगा। इस डिबोर्ड की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये आपके पीछे भी आपके घर को क्लीन रखेगा। फोन के अंदर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसको सेट कर दीजिए, टाइम सेट कर दीजिए, उसी टाइम पर ये डॉकिंग स्टेशन से बाहर आएगा, आपके घर को क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद वापस डॉकिंग स्टेशन पर जाकर लग जाएगा चार्जिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ थोड़ी सी मिट्टी के निशान है, तो देखते हैं इसको भी मॉप करता है कि नहीं। तो यस कर तो रहा है। तो आप देख सकते हैं यस प्रॉपर तरीके से जो मिट्टी के निशान थे उसे इसने मॉप कर दिया है। क्लीनिंग तो काफी अच्छी कर रहा है, वैक्यूम भी इसने अच्छा किया, पूरी डस्ट निकाल दी है और मॉपिंग भी इसकी अच्छी ही लग रही है। क्लीनिंग अगर आप देखेंगे पूरा फर्श जो है शीशे की तरह एकदम चमक रहा है। गाइज ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। अब मुझे मेड का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो छुट्टी ले कुछ ही ले, अब मैं उसकी छुट्टी कर रही हूँ और अपने घर पर मैं ले आई हूँ डिबॉट। तो ग्राउंड फ्लोर की पूरी मॉपिंग और वैक्यूम हो चुका है, वापस ही डॉक स्टेशन पर जाकर लग रहा है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया थी, एक बार की चार्जिंग में 6 घंटे लगातार ये वर्क करता है। देखिए
तो जैसे कि इसने अभी बोला है कि जब आप चार्जिंग करें तो ये जो उसका वाटर टैंक है इसको हमें निकाल देना है, तो बस निकाल कर इसको आप रख दीजिए और जब मॉपिंग करनी है तो उसको वापस लगा दीजिए, लेकिन चार्जिंग के टाइम इसको निकालना जरूरी है। चलिए इसका जो डस्टबिन है उसको चेक करते हैं कितना कूड़ा इसने कलेक्ट किया है, एक बार आपको दिखा देते हैं। लेट सी, तो गाइस देखिए OMG, जो बारीक बारीक कूड़ा है दिखाई भी नहीं देता, आप देख सकते हैं कितना इसमें इकट्ठा हुआ है। और ये देखिए अंदर की तरफ, तो काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, बस आप इसे क्लीन कर दीजिए। इस फिल्टर को आप ये जो ब्रश इन्होंने दिया है इससे क्लीन भी कर सकते हैं, तो देखिए ये देखिए, तो इसलिए इसका ब्रश का यहाँ पर दिया गया है, ये जो फिल्टर है इसका आप इजिली क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका जो ड्रॉपिंग सेंसर है वो टेबल पर चलाकर चेक करते हैं। वैसे तो मैंने आपको फ्लोर पर दिखाया था, बट एक बार टेबल पर भी चलाते हैं। इसका ड्रॉपिंग सेंसर जो है काफी एग्जैक्टली प्रॉपरली चल रहा है, देख सकते हैं आप, अपने आप ही स्कैन कर रहा है और बैक कर ले रहा है। तो चलिए इसको अब पॉज कर देते हैं। तो देखा आपके इशारों पे एकदम बढ़िया से काम करता है ये। तो परफॉर्मेंस तो आपने इसकी देख ही ली है। बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। अगर आप इसे फुल चार्ज करते हैं एक बार में तो ये कम से कम 5 to 6 hours एक रन में काम करेगा, और जो एरिया है वो 4000 स्क्वायर फीट तक का एरिया ये कवर करता है। इस डिवाइस की वेट की अगर बात करें तो 6.66 kg का वेट है, और पावरफुल सक्शन के साथ ही आता है, 4300 pascal सक्शन पावर इसके अंदर है। इसकी अगर बैटरी की बात करें तो 5200 mAh बैटरी इसमें है। ये जो डिवाइस है हर टाइप की फ्लोर क्लीन करता है, जैसे कि टाइल्स है, मार्बल है, वुडन है या फिर कारपेट है। इसमें आपको मिलती है ट्रू मैपिंग 2.0 टेक्नोलॉजी, जो कि इसके कवरेज एरिया को 4 गुना बढ़ा देती है और डबल एक्यूरेसी के साथ ये क्लीन करता है। तो एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होंगे जब आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तो ये जो बड़ा कूड़ा जैसे कि बिग पीस ऑफ पेपर है या फिर बड़ा स्टोन या कुछ भी बड़ा अगर डस्ट है तो आप उसे हाथ से हटा दीजिए, अदरवाइज ये स्टक हो जाएगा। और एक कभी कभी क्या होता है कर्टेंस काफी नीचे तक फ्लोर तक टच हो रहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी कर्टेन आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टक हो जाएगा। बस ये एक दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल प्रोडक्ट ये काफी अच्छा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, नंबर वन इसकी जो सेंसिंग पावर है, नंबर वन इसकी जो मोपिंग और वैक्यूम क्लीनिंग है, नंबर वन ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे तो बहुत ही पसंद आया। गाइज अगर आप भी अपने घर के लिए ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इसको ले सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस है 34 to 35 K की रेंज में ही आ जाता है, बट प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो करंट प्राइस जानने के लिए वीडियो के नीचे जो आपको लिंक मिलेगा वहां पर जाकर करंट प्राइस आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने डिबोट को कवर किया है। तो ये जो डिबोट है अपने आप में एक पूरा एक डिवाइस है, मतलब क्लीनिंग भी करता है और इसमें आपको डस्टबिन भी मिलता है। बट इसके साथ यहाँ पर एक और ये दिया गया है ऑटो एम्प्टी स्टेशन। तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अकेले को भी ले सकते हैं। तो इसकी जो वीडियो है मैं आगने वाले पार्ट में आपको दिखाऊंगी। तो वैसे तो मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल बता दी है, बट अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अलावा मेरी स्मार्ट किचन सीरीज में आपको बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और बहुत ही बढ़िया है। तो अगर उन सब का लिंक भी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, उनका लिंक खोलिए, वहां पर वीडियो देखिए और वहीं से आप उनको खरीद भी सकते हैं। इस ऑटो एम्प्टी स्टेशन के भी काफी सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारी वीडियो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको गाइस पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट वर्क हार्ड बट स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।